आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 रोल नंबर। खाली एक दिन की एक्सरसाइज होगी हमारी, क्योंकि रोल नंबर खाली छोटी सी चीज़ है कि रोल नंबर होता क्या है, बट हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए रोल नंबर में। पहले देख लेते हैं रोल नंबर क्या होता है। ये हमारी नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है हमारी, यहाँ है 0, ये 1, ये 2, ये 3, राइट साइड नंबर बढ़ते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे -1, -2, -3 अप टू 0, यही होते हैं। जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, उसको क्या कहते हैं हम, रोल नंबर। और जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, नेचुरल नंबर। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर क्या होते हैं हमारे, रोल नंबर होते हैं। रोल नंबर कभी भी क्या नहीं हो सकते, फ्रैक्शन नहीं हो सकते और इंटीजर नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में क्या नंबर होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के। इंटीजर क्या होते हैं, माइनस में भी होते हैं। ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं हम रोल नंबर। अगर हम अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो रोल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं रोल नंबर होगा क्या। अगर मान लो 2 एक रोल नंबर है, 3 एक रोल नंबर है, 4 एक रोल नंबर है। मैं सारे के सारे ऑपरेशन इन 3 नंबर पे लगा रही हूँ, देखना ध्यान से। 2, 3, 4 मेरे रोल नंबर है, ठीक है। मैं आपको बोलूँ अगर 2 रोल नंबर है और 3 रोल नंबर है तो उनका सम 5 भी क्या है, एक रोल नंबर है, है ना, कंप्लीट नंबर। मैं बोलूँ 2 रोल नंबर है, 3 रोल नंबर है, तो उनकी मल्टीप्लाई क्या है, 6, ये भी एक रोल नंबर है। क्लियर है? जब मैं एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में बात कर रही हूँ तो ये 100% है कि ये रोल नंबर है। लेकिन जब मैं बोलूँ कि 2 रोल नंबर है, 3 रोल नंबर है, क्या इन दोनों का डिफरेंस रोल नंबर है? माइनस वन आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, तो -1 मेरा रोल नंबर नहीं है। समझ में आई बात? मैं बोलूँ 2 डिवाइड 3 करेंगे, 3 बाहर 2 अंदर, 0 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट में वैल्यू आई, मतलब कि फ्रैक्शन में है, मतलब ये भी रोल नंबर नहीं है। हाँ, कई बार हो भी सकता है, इसको ये नहीं बोल सकते, कभी नहीं है। अगर मैं बोलूँ 6 एक रोल नंबर है, 2 एक रोल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो क्या आया, 4 रोल नंबर है। मैं बोलूँ 9 एक रोल नंबर है, डिवाइड किया 3 एक रोल नंबर है, तो क्या आएगा, 3, ये भी रोल नंबर है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, मे बी और मे नॉट बी। ओके, इनके ऊपर ही कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं, वो देखते हैं हम प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो, जैसे पहले है, इफ ए बी सी आर रोल नंबर, अगर 3 नंबर है वो रोल नंबर है, तो ए प्लस बी हमेशा रोल नंबर होगा, उनकी मल्टीप्लाई हमेशा रोल नंबर होगी, बट उनका सब्ट्रैक्शन रोल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी, मे और मे नॉट भी, ऐसे ही डिवीजन हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है कि मैं आपको बोलूं 2+3 = 3+2 के, है ना, इक्वल, यहां भी 5 आएगा, यहां भी 5 आएगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारी, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। मैं बोलूं 2 × 3 या मैं बोलूं 2, 3 × 2, दोनों से आंसर क्या आएगा, 6, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव। किसमें होल्ड करेगी, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में। बट मैं बोलूं 2 − 3 और 3 − 2, दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। 2 − 3 तो क्या होता है, -1, और 3 − 2 क्या होता है, +1, मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग है, तो इसमें होल्ड नहीं करती कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको 6 / 3 = 2 होगा, लेकिन 3 / 6 = 2 नहीं होता, तो इसमें भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या नहीं करती, होल्ड नहीं करती। वही बोला है, ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई ए के, लेकिन ए माइनस बी नॉट इक्वल होगा बी माइनस ए के, ऐसे ही डिवीजन में है, नॉट इक्वल। क्लियर है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम वही होती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह। कम्युनिकेटिव में लेते हैं हम 2 नंबर, यहां लेते हैं हम 3, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 2, 3 और 4, ठीक है। मैं बोलूं 2+3+4 करना है, पहले इन दोनों को ऐड करो, 5+4 क्या आ गया, 9। या मैं बोलूं कि 2+3+4 है तो पहले इन दोनों को ऐड करो, तो भी क्या आएगा, 2+4 और 3 क्या होता है, 7, 2 और 7 क्या हो गया, 9। कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर ली एडिशन ने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन वाली होल्ड करेगा, 2 × 3 × 4, चाहे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, होल्ड होगी प्रॉपर्टी।
टू थ्री जा सिक्स, सिक्स मल्टीप्लाई फोर ट्वेंटी फोर, टू मल्टीप्लाई फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर हो गई होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होल्ड नहीं करता कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव के बाद आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। देखो जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से क्या समझ आ रहा है कि किसी चीज को बांट रहे हैं। क्लियर है? मतलब मान लो कि घर पे कोई एक समोसा दे के चला गया और दो बच्चे हैं, तो हाफ हाफ समोसा देगी मम्मी। बांटना, किसी चीज का बांटना क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं बोलू 40 है आपके पास और प्लस का 3 है, ये किसको बांटा है आपने, 43 को बांटा है। डिस्ट्रीब्यूटिव यूज किसके लिए होती है, ज्यादातर मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होती है, ज्यादातर क्या हमेशा मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। मैं बोलू 43 है, मल्टीप्लाई करना है 97 से। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मुश्किल है क्वेश्चन, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन को हमें एक मिनट मिलती है एग्जाम में सॉल्व करने की, ये तो सबको मालूम है। तो देखो मैं क्या करूंगी, 43 है मल्टीप्लाई में 97 को क्या लिख सकते हो, 100 माइनस का 3, 97 को मैंने बांट दिया। 100 माइनस 3 क्या होता है, 97 होता है ना। 43 एक बार गया 100 के पास, 43 मल्टीप्लाई में 100, फिर माइनस का सिंबल है, 43 मल्टीप्लाई में 3। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों के पास क्यों गया, दोनों के पास इसलिए गया, मान लो आप मेरे घर आ रहे हो तो पहले अगर मेरी मम्मी बैठी है तो पहले मम्मी को नमस्ते बोलोगे, फिर आगे पापा हैं तो फिर आगे पापा को नमस्ते बोलोगे, आगे कोई नंबर होता तो उसको नमस्ते बोलते, ऐसे ही वन बाय वन बोलते चलते हैं। ऐसे ही मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, नमस्ते। पहले 43 मल्टीप्लाई 100, फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस, 43 मल्टीप्लाई 3, एक बार इसको बोला नमस्ते फिर इसको बोला, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नमस्ते का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई किया 4300 माइनस में 3 3 9, 4 3 12, माइनस कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी आएगा, किसके कंपैरिजन, मल्टीप्लाई के कंपैरिजन। अगर मैं बोलूं आपके पास है 104 मल्टीप्लाई में 32, 104 को डिवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट बांट सकते हैं, किस में बांटेंगे, 100 प्लस 4, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है 32, 32 एक बार जाएगा 100 के पास, 32 मल्टीप्लाई में 100 प्लस, फिर 32 जाएगा 4 के पास। क्लियर है? क्या हो जाएगा, 3200 प्लस में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 8, 4 3 12, ऐड करके आंसर लिख सकते हो 8 2 3 3। मल्टीप्लीकेशन सीधा करने से अच्छा है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, ताकि हमें एग्जाम में क्या मिले, टाइम कम लगे। देखो हमने पढ़ा वोल नंबर, वोल नंबर क्या होते हैं, जो जीरो से शुरू होते हैं वो होते हैं। फिर हमने पढ़ा वोल नंबर होते क्या है, एडिशन करेंगे तो, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो, माइनस में मे बी मे नोट बी, डिवीजन में भी मे और मे नोट बी। फिर हमने पढ़ा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम करते हैं प्रॉपर्टी किसकी, जीरो की और वन की। जीरो की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं बोलूं 4 + 0 आंसर क्या आएगा हमेशा 4, मैं बोलूं 4 - 0 आंसर क्या आएगा हमेशा 4, मैं बोलूं 4 × 0 जब मल्टीप्लाई कर रही हूं तो आंसर क्या होगा 0। जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या आएगा 0, प्लस माइनस करेंगे तो वही नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तो 0। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 / 0 है तो हम इसको नॉट डिफाइन बोलेंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो होगी जीरो की प्रॉपर्टी। वन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 4 × 1 क्या होगा 4, 4 / 1 क्या होगा 4, ये कहती है वन की प्रॉपर्टी। पहले वोल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज की है हमने, अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस वोल नंबर के। देखो एक चीज और देखते हैं हम, इसमें हम क्वेश्चंस में वर्ड ज्यादातर देखेंगे कंजुगेटिव। कंजुगेटिव क्या होता है, लगातार, लगातार, जैसे कि 2 3 4, ये लगातार नंबर है। मैं बोलूं लगातार नंबर बताओ 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लगातार कंजुगेटिव का मतलब है लगातार। मैं बोलूं 90 है आपके पास, 90 के लगातार 3 सक्सेसर बताओ। सक्सेसर पढ़ा था मैंने पिछले असाइनमेंट में, सक्सेसर क्या होता है, हम नंबर में क्या प्लस करते हैं 1। कितने पूछे हैं, 3 पूछे हैं, तो पहले 1 ऐड किया तो क्या आया 91, फिर 1 ऐड किया तो क्या आया 92, फिर 1 ऐड किया तो क्या आया 93, ठीक है।
तो एक ये, दो ये, तीन ये, तीन लगातार नंबर हो गए सक्सेसर का मतलब प्लस वन। एक होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या होता था माइनस वन करूं, मैं बोलूं कंज्यूगेटिव तीन प्रोड्यूसर बताओ फाइव के, तो क्या होगा फाइव माइनस वन फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री माइनस वन क्या हो गया टू, ये तीन कंज्यूगेटिव प्रोड्यूसर हैं किसके फाइव के, है ना। अगर मैं बोलूं आपको कोई प्रॉपर्टी देखेगी ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो आप बता सकते हो कौन सी है, मैं बोलूं टू प्लस थ्री इक्वल है थ्री प्लस टू के, कौन सी प्रॉपर्टी है आप बता सकते हो, कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पूछूं वो भी बता सकते हो। अच्छा एक बात और बताते हैं, अगर मैं बोलूं टू में मैं क्या ऐड करूं कि फाइव आ जाए, क्या ऐड करोगे, थ्री ऐड होगा फाइव आएगा, थ्री कहां से आया, ये जो नंबर ऐड कर रही हूं ना इसको मान लू एक्स, टू प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस का टू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री, टू में थ्री ऐड करूंगी तो क्या आएगा फाइव, है ना। रूल क्या होता है, प्लस जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस जब जाएगा तो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड मिलेगा, डिवाइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई बनेगा। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड मास में, ठीक है, बोर्ड मास में तो नहीं सिंपल इक्वेशन चैप्टर आएगा उसमें ज्यादा यूज होंगी ये चीजें, जब तक इनको ध्यान रखेंगे। अब मैं बोलूं आपको कि फोर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी ट्वेल्व आ जाए, फोर थ्री जा ट्वेल्व होता है ना, यहाँ आएगा तो थ्री, कैसे आएगा वो देखना, मैंने मान लिया कि मैं फोर में एक्स मल्टीप्लाई करूं तो ट्वेल्व आएगा, एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व मल्टीप्लाई में कहां जाएगा डिवाइड में, फोर वन जा फोर थ्री जा एक्स की वैल्यू क्या आ गई थ्री, ठीक है। मैं बोलूं फाइव में क्या ऐड करूं मैं कि मेरा सिक्स आ जाए, क्या ऐड करूंगी एक्स ऐड करूंगी, एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं असाइनमेंट के, जो आज के असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, पहला आपको प्रॉपर्टी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी है एडिशन की बता सकते हैं हम, इसमें भी आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि क्या ये सेम है और कौन सी प्रॉपर्टी है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ए वोल नंबर पी सच दैट पी प्लस पी इज इक्वल टू पी, ऐसा वोल नंबर बताओ जिसमें हम उसी नंबर को ऐड करें तो वही नंबर आए, खाली एक जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। कंज्यूगेटिव सक्सेसर बता सकते हो तीन, मतलब लगातार इसके बाद आने वाले तीन नंबर। राइट थ्री कंज्यूगेटिव प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का मतलब पहले, जो 2001 से पहले तीन नंबर है वो बताने हैं, बता सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डज द डिजिट टू अकर्स बिटवीन वन टू हंड्रेड, ये आप करना ट्राई। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि टू कितने टू आते हैं वन से लेके हंड्रेड तक, जैसे पहला टू हो गया फिर 12 हो गया फिर 20 हो गया 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू ऐसे टू कितने हैं वो बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर डज नॉट हैव अ प्रोड्यूसर, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रोड्यूसर नहीं है। देखो वन में से माइनस करूं मैं वन तो क्या होता है जीरो, क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है, जीरो क्या है वोल नंबर है, नंबर लाइन में जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर वोल नंबर होते हैं और वन से स्टार्ट होने वाले होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब जीरो वन जो है वन का तो प्रोड्यूसर नहीं है नेचुरल नंबर का, और मैं बोलूं जीरो का प्रोड्यूसर है क्या वोल नंबर में तो भी नहीं है, माइनस वन आएगा माइनस वन वोल नंबर नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट 789 बी मल्टीप्लाई, मैं क्या मल्टीप्लाई करूं इसमें कि मुझे ये मिल जाए, डिवाइड कर लोगे आप। आगे कह रहा है ए सिनेमा हॉल इज टू, एक सिनेमा हॉल बनाया गया है जिसके अंदर आपको सीट रो बता रखी है, एक हर एक रो में 36 सीट है, आपको बोल रखा है डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू सीट 600 पर्सन एट ए टाइम, 600 पर्सन बैठ जाए एक ही टाइम। ये कह रहा है कि ये एक सिनेमा हॉल है, एक रो है ये, है ना, इसके अंदर 36 सीट है, 600 आदमी बैठेंगे एक साथ, कितनी रो लगेंगी, कितनी रो में बैठेंगे, डिवाइड कर दो आप 36 को 600 से, ठीक है, कंप्लीट नंबर नहीं आए, अगर रिमाइंडर बचे ना तो जो यहां पे क्वेश्चन होगा मेरा उसमें ऐड कर दूंगी मैं प्लस का वन। आगे आपको लेटर फिल करने हैं वो आप कर लोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट मस्ट शुड बी, रिप्लेस करना है एन, एन की जगह पे क्या वैल्यू पुट होगी ये भी आप ट्राई करना। फिलिंग द ब्लैंक्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाएंगे। द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी फॉर ऑल द सेट ऑफ होल नंबर इज, आइडेंटिटी में मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होल नंबर में क्या कहती है वो बतानी है आपको।
किसी भी नंबर में एक जीरो मल्टीप्लाई में है तो आंसर क्या होगा? जीरो. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट. लार्जेस्ट नंबर फाइव डिजिट का 99999 और सबसे छोटा सिक्स डिजिट का नंबर 100000, है ना. दोनों का डिफरेंस आपको बताना है. विच इज द स्मॉलेस्ट व्होल नंबर, सबसे छोटा व्होल नंबर कौन सा है? जीरो. अगर मैं बोलूं सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है आपका? वन. असाइनमेंट करो आप. व्होल नंबर पे खाली एक ही असाइनमेंट है, चैप्टर इतना ही है. कोई डाउट हुआ तो आप क्लियर करना.